एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 20 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसे हम एक बार पुट कर लेते हैं। आई का मान हमें दे रखा है 35 एम्पीयर, साथ में हमें जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है वो दे रखिए 20 सेंटीमीटर। इसे हम 20 गुणा 10 की घात -2 पुट कर सकते हैं। ये हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्थित किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, हमें बी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार से उत्पन्न जो चुंबक के क्षेत्र है उसकी तीव्रता का फॉर्मूला होता है बी बराबर μ0I बट्टे में 2πr। यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू जीरो का मान होगा 4π इंटू 10⁻¹। आई की वैल्यू हमें दे रखी है 35 एम्पीयर अपॉन 2πr, और आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 20 गुणा 10 की घात -2। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 3.5 गुणा 10 की घात -7 और 10 की घात -2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 2। 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।